लद्दाख एक्सप्रेस चैनल आता का हमारे रसिद बदगा मोहम्मद मुसा दरिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्र शोसना वर्चुअल मोटिका गर्ल्स हॉस्टल जम्मू गुजुक सोसिन या अंतर तस्वीर में नजर न दी तो स्पीकर सी सी एल एच डी सी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल दो मैन मखी मेथी गैनुक डॉन पोन जुग से फिनांग यहाँ दो मैन में स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और गोस्किन यहाँ दो मैन मखी मेथी गैनु शर्तो तो निज खा लेन यदा सब ऑफिस पर रिपोर्ट चल चुके तेन तिल तेन जुग शेख लद्दाख एक्सप्रेस If there is a video walkthrough, I would request to take the video walkthrough. ये हमको ताजुब हो रहा है जब वॉक हमको आपने कराया सर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और जो फैसिलिटी मैंने देखी सर तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये काउंसिल की एक्सपेंडिचर है गर्ल्स हॉस्टल जम्मू गुजुक सोजना छाना दरंगा नंबो अलसवा शे एडवाइजर दरे जरका जाफरी जुक सरपो सिटी फ्रलिंग्स विद छाना फिस सा बमोन ला गता थों मशीन चुक जम्मू ने मत सा ने अनु गर्ल्स हॉस्टल में चार बस किमे थी के नाज बर्दो थों मत ना पीजी चार बस पता या रूम ऊपर बस पता गर्ल्स हॉस्टल दरिंग ऑफिशियली गुजुक सोजना या दिया नु ची ची दरंग और गजदम दो कर गलवा बस डुल सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यंता सामा दी हॉस्टल पर दंचस मंगा था बमो सगफिल्ला मैंने फ़ायदेमंद सोसिन क्योंकि जम्मू चौक युल्ला रूम सलबा बमो सगफिल्ला मतलब दक्षा सी टाइम पर है मैंने मुश्किल यो एक तो एक्सपेंसिव मैंने मांगो दुख महंगा दुख ऊपर से मकान मालिक उन नंबो बरगा प्रॉब्लम छिंदुक चेंज बिंदु पर को सिंदुक बाकी सेफ्टी अंग खाशी बिंदु जगह खर्ची का तो दी हॉस्टल पर दंचाओ बुझान बसा ज़्यादा बमोल ज़रूरी होत पिन्या तो दक्षण लो सुम गया नरदानी तो दक्षण बोमो ने फिल्ला हाँ मन अर दिमुर दन सुख मन अर ग्यालर दन सुख तो बोमो ने फिल्ला मन फायदा मन चर्चा दू तो दे फिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ला थैंक्स जरिद कि यंतेस दे सी कंट्रीब्यूट बसे गचक बोमो सगी दी डिमांड को यंतेस पूरा बस बाकी दक्षण बाकी जो मैनेजमेंट हो वो तो ट्रांसपेरेंट लूस पर गोशिन आने वाले टाइम में पार्शल टीम यो मर गोशिन कि मतलब बैकग्राउंड ही बेसिक आदि हॉस्टल या एडमिशन थो पर गोशा मेन बाकी मेरिट बेसिक दिखा थो पर गोशिन दोनों गा स्टूडेंट उन ज़्यादा ज़रूरी होना वो दोन लदिका हॉस्टल या एडमिशन थो पर गोशिन छाना मन अर्गलबा मलबसों फिर सर ट्रांसपेरेंसी ले शाओ मन लेगी ना खर्चे ताया देना न चुकला दिया नुक हकदार उन ला मैंने दिया नुक जगह मिथो बर गोशा जिनांग या अतेस क्वालिफिकेशन ये सब अजर ना या दिया शेषकन ना पार्शियलिटी मिशा चाव लेगी ना खर्चे थीं छाना दोनों जम से ये जरका जाफरी जाए समझोन मोले ने थीं बमों ने मिंग ना लेगी ना थतखन अर्गमु ही ना गाबु छबो में गिनना फिर सा फिस्ता जम्मू चौसन या सिलखान उल्ला दिया अर्गलबा बस वेल इक्विप्ड अर्गिया ना गपचू बच्चे थाले दिया नुक सीट जा सकते हैं छाना दोनों जम से यो में तू सुने नुक एडमिनिस्ट्रेशन इस दिया गलवा बस स्टूल भी लेगी ना खर्चे तीन दरिंग गर्ल्स हॉस्टल जम्मू गुजुक सोसिना यांग दीप करगिली मीमा समिंग ने फेस सांग बुछा बमो ने मिंग ने दरिंग रस्ता तीन छाने अंतर तसु मिंग नजर दरिंग ने बो बॉयज हॉस्टल जम्मू दिकर गोस्किन जुक सुत यांग खेमे थी गेनु शर्तो ते दियां खा लेना छाना गसुक शे समेत फेस सांग बुछा बमो लगाता दिर जम्मू चौक सुने ने हॉस्टल ले लेगी ना गतार गोशा जुत पिना छाना दरिंग दाने ऑफिशियली गुजुक सोसिना देश कॉलेज में औजु बिललाह मिन शैतान व नजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबसे पहला आज मत ऑनरेबल सी सी साहब डी सी साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा भेद जजर बना दी अजीम जगह अति बमोल्ला ले की ज़रूरत पिंदी जती हॉस्टल चेक जजर बना अति बमोल्ला अति खांगमा ना भर बेसो मना दिया नुक फैसिलिटी सीमित पिन खुआ घर का पी जी दुख पिन रूम ही प्रॉब्लम छत पिन लिहाजा दी थकरीन जगह हूँ से दुखचस्प खुआ मना बहुत ज़रूरी है पिंदे फिलहाल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा बेद बिलखसूस नती सी सी साहब व बाकी तमाम कौंसलर सागा बहुत बहुत शुक्रिया अदा बेद कि चाह दिस फैसिलिटी सुनता शुक्रिया कहा कि हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स स्पेशली जो जम्मू में पढ़ते हैं उनका बहुत ही एक दीरीना मांग था कि उनके लिए भी एक हॉस्टल यहाँ पर जम्मू में बनाया जाए चूँकि आप जानते हैं कि बॉयज़ के लिए हमारा ऑलरेडी छनी रमा में बहुत साल पहले हमारा बॉयज़ का हॉस्टल बना है तो हमारे जो बच्चियाँ हैं हमारे जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें बड़ा लिमिटेड सीट मिलता है उनको मतलब हॉस्टल में ना के बराबर उनको जगह मिलता है तो इनको मजबूरन जो है यहाँ पे किराए पे रहना पड़ता है और आप खुद जानते हैं कि जम्मू में जो है रूम बड़े एक्सपेंसिव हैं और कुछ पेरेंट्स जो हैं इनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता है तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में 2020-21 के प्लान में हमने इसको रिफ्लेक्ट किया और 2020 के ही अक्टूबर में हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और आप जानते हैं कि उस बीच में यहाँ पे एक बीमारी आप खुद जानते हैं
कोविड-19 आया, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ, यानी 6 महीने का डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एजेंसीज़ ने बहुत ही अच्छे काम करते हुए इसको कंप्लीट किया। 2-3 महीने पहले ये कंप्लीट हो चुका था, जिसको आज फॉर्मली हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया और डेडिकेट किया हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। अब आपका सवाल ये है कि हम बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन कब दिया जाएगा, तो हमारा ये है कि अभी डीसी साहब जो हैं, इसमें पूरा एक टीम हमने बनाया है ऑफिसर्स का, कि इसको प्रोसेस को हम कैसे देखें। तो हमारी ये कोशिश है कि कोशिश क्या मतलब हमारा ये कमिटमेंट है कि जो आने वाला सेशन है इस साल का, करंट सेशन, यानी जुलाई से हमारा न्यू एकेडमिक सेशन होता है, स्टार्ट होता है जम्मू में, तो नए एकेडमिक सेशन से जो है हम इस हॉस्टल को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। और एडमिशन प्रोसेस जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, मैंने पहले भी बताया, ऑनलाइन सिस्टम होगा, ऑनलाइन होगा एडमिशन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, बेशक कुछ सीट्स जो हैं इसमें रिज़र्व ज़रूर रखा जाएगा, जो हमारे BPL कैटेगरी से आते हैं, ताकि उनको भी यहाँ पे बराबर का एकोमोडेशन मिले। तो ये हमारा प्रोसेस है, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस साल एकेडमिक सेशन से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब किसी भी सिस्टम में या तो हमको उनको अटैच करना है, या डिपुटेशन पे आदमियों को लाना है, या आउटसोर्सिंग करना है, 3-4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का है, और वार्डन जो है नेचुरली जो अंदर काम करने वाले हैं वो मोस्टली उनका फीमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिसका कोई टीचिंग के साथ कोई वाबस्ता ना हो, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसमें उसका इंगेजमेंट ज़्यादा हो, उन लोगों को यहाँ पे डिप्यूट करेंगे फ़िलहाल के लिए, जब तक कि ना यहाँ पे अपॉइंटमेंट ना हो। और हमारी ये कोशिश रहेगी, हम लिखेंगे कि जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे हमारा जम्मू में है, जम्मू बॉयज़ है, करगिल हाउस है, या आपका श्रीनगर में है, उनके लिए पोस्ट भी क्रिएट किया जाए, आने वाले फ्यूचर में उनके लिए भी पोस्ट क्रिएट हो जाए, ताकि ये जो डिप्यूटेशन या अटैचमेंट वाला जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाए। तो फ़िलहाल जो है इसमें हमारे DC साहब देख के, नॉन टीचिंग्स जो कहीं स्कूल्स के साथ वास्ता ना हो, या किसी डिपार्टमेंट में जिसका असाइनमेंट ज़्यादा ना हो, उनको यहाँ डिप्यूट किया जाएगा। और मेनली हमें यहाँ पर, चूँकि गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो फीमेल स्टाफ को हमें मैक्सिमम जो अंदर के जो होगा वहाँ फीमेल स्टाफ को हमने डिप्यूट करना है। और सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी के लिए जैसे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं आपका जो प्राइवेट, उनके साथ बात करके जो है, उनके साथ बात करके एक सेफ एंड सिक्योर जो है एक माहौल भी दे दें, सिक्योरिटी दे दें, ये भी हमारा एक कंसर्न है। देखिए, उस पर जो बात निकल के आया, मैंने तो उसी वक्त रिएक्ट किया, आपको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा, आपने देखा भी होगा कि इसका प्रोसेस क्या था और प्रोसीजर क्या था। तो अभी ऑफिशियली हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हमें ये कहा गया कि समग्रा के तहत जो हमारे स्कीम्स हैं आपका, समग्रा के तहत कुछ जो पोस्ट जो है उन्होंने आउटसोर्स किए थे, और एक एजेंसी है, ले बेस्ड एक एजेंसी है, उसने उनको हेयर किया था। तो उसी के तहत जो है इनको ये जो कल जो हमने देखा PM श्री जो एक प्रोजेक्ट आया है आपके एजुकेशन में, उसमें जो नोडल ऑफिसर का नॉन लोकल का आना जो है हमारे बच्चों का एक कंसर्न था, और वो होना भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ आपका, क्योंकि हमारे हाईली क्वालिफाइड जब हमारे लद्दाख के बच्चे हैं, तो उसमें जो है क्यों मतलब आउटसाइडर आए। तो इसलिए हमारी LG साहब से भी रिक्वेस्ट होगी कि आउटसोर्सिंग में ही बेशक क्यों ना हो, उसमें अगर हमारे बच्चे अगर उसमें एलिजिबल हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे लद्दाख के ही बच्चों को देना चाहिए। हाँ, बेशक हाईली टेक्निकल कोई होगा जहाँ पे हमारे बच्चे फॉल नहीं करते हैं, उनमें उनको प्रेफरेंस दिया जाए। तो हमने ये टेकअप किया है, इंशाल्लाह आइंदा इस प्रोसेस नहीं होगा। सीसी सर, अभी सिक्योरिटी के लेके बात हो रहे हैं, तो अभी करगिल हाउस भी उतना सेफ नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि करगिल हाउस में भी ट्रक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, तो सिक्योरिटी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह के इंतजाम होगा चलाने वाले? देखिए, करगिल हाउस में ऑलरेडी सिक्योरिटी, हमारे CCTV कैमरास वहाँ पे लगे हुए हैं, उससे पहले पिछले साल वहाँ पे चोरी के कुछ वाकयात, और CCTV कैमरे के थ्रू ही उनको कैच करने में कामयाब हुआ है आपका। तो अभी आपने देखा होगा बॉयज़ हॉस्टल में ऑलरेडी सिक्योरिटी लग गया है। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं करगिल के, चाहे श्रीनगर में हो, करगिल में हो, तो उनको इंश्योर करें कि हम सिक्योरिटी दे दें। अब चूँकि ये फीमेल है हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा स्पेशल फोकस होगा आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। DSSRB एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट है जी? SSC का तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, DSRB के एग्ज़ाम जो हमने नई डेट्स निकाली थी 14, 21 और 28, उसी हिसाब से होगी। एडमिट कार्ड 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि तैयारी की। दूसरा, इस टाइम बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली जब से हम आए हैं तब सारी एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट हुई, बट इस बार हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सेट वाले क्वेश्चंस पेपर होंगे, और साथ ही में जितने भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, हम डिसेंट्रलाइज लेवल पे एग्ज़ाम
एग्ज़ाम ले रहे हैं, संस्कार में हम पहली बार एग्ज़ाम सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हमारे स्कूल्स और जो इनसाइड हॉल के अंदर हमारे सारे एग्ज़ाम्स होंगे क्लासरूम्स के अंदर, हर एग्ज़ाम सेंटर को CCTV कैमरा से कवर किया जाएगा, स्टाफ उस हिसाब से डिप्यूट किया जाएगा, तो फेयर और फ्री ट्रांसपेरेंट मैनर में जैसे हम एग्ज़ाम लेते आए अभी, ये भी एग्ज़ाम बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिए, जैसे ग्रेजुएट लेवल पर हमारे ऑलमोस्ट 7000 प्लस एप्लीकेशन थी, हमारा जो 12th वाली एलिजिबिलिटी है उसमें ऑलमोस्ट 13000 के आसपास और 10th वाले में 14000 के आसपास एप्लीकेशन ज़्यादा थी, बट कुछ हमने वीड आउट किए जो ग्रेजुएशन और 10th में दोनों ने फॉर्म भरा था जो एलिजिबल नहीं थे। तो बहुत ही अच्छे से तैयारियां चल रही है और एक दो दिन में हमारा एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो जितने भी बच्चे हैं जो भी ट्रैवल प्लान कर रहे हो कर ले, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इसके बाद हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, आपको पता है कि बाद में काउंसिल इलेक्शंस है और बाकी भी काम आ जाते हैं, फ्लड्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बाद में, तो मई वाले महीने में भी अभी जो हमने एक हफ्ता में डिले करना पड़ता बिकॉज जोजिला का थोड़ा इशू था उस साइड में, शिंकुला का इशू था, इसलिए हमें डिले करना पड़ता, ऑनरेबल सी साहब ने मीटिंग ली थी उसमें हमने स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को देखते हुए इसको कंसिडर किया था, बट इसके बाद कुछ डिले नहीं होगा और ना पोस्टपोन होगा, तो सारे बच्चे जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे और एग्जाम देना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान कर ले, और बिल्कुल ये किसी ने भी अपने दिमाग में नहीं लगना है कि कोई जुगाड़ है कुछ चलेगा, पूरा एग्जाम फेयर ट्रांसपेरेंटली होगा और जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करके सिस्टम में आएंगे। एग्जाम का काफी एग्जाम सेंटर का इशू रहा था सर, तो इस बार का क्या इंतजाम है सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इस बार एग्जाम सेंटर लद्दाख में ही होगा या लद्दाख से बाहर भी होगा? नहीं, DSR भी तो हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट में ही लेते हैं, पहले हम मैंने बोला SSC में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना बिकॉज हम उससे जुड़े हुए नहीं है, हम DSRB का बोलेंगे, हमने जैसे बोला डिसेंट्रलाइज लेवल पे किया, संस्कार में हमने अलग से एग्जाम सेंटर क्रिएट किया है संस्कार के बच्चों के लिए, और साथ ही में हमारे जो कारगिल के आसपास के स्कूल्स है वो हमारे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे DSRB में, तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे, एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें आएगी कौन सा सेंटर है कौन सा हॉल है, तो उसमें उस हिसाब से एग्जाम देंगे। चले तो कारगिल की पूरी आवाम को स्पेशली हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, यहाँ पे जो हॉस्टल बना है बड़ा ही शानदार हॉस्टल बना, आप सब ने यहाँ पे इसको विजिट किया है, 14.92 ऑलमोस्ट 15 करोड़ की लागत से यहाँ पे बना हुआ है और 154 गर्ल्स स्टूडेंट्स की यहाँ पे कैपेसिटी है, थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें स्पेस का प्रोविजन रखा हुआ है, इसके साथ ही में डाइनिंग हॉल हो, जिम का स्पेस हमने रखा है, लाइब्रेरी हो, कॉमन रूम हो, रिक्रिएशनल हॉल हो, इवन बाहर जो कंपाउंड वॉलिंग के अंदर बाहर आउटर स्पेस है यहाँ पे खेलने के लिए भी जगह है जो बच्चे खेल सकती है, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बनी है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे, और हम जानते हैं कि जम्मू में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने हो, कॉलेजेस हो, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जैसे साहब ने कहा कि इसको मॉनिटरिंग सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात हो, तो जल्दी हम इसमें एक नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे डिप्यूट करेंगे वार्डन के तहत, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए भी अच्छी फैसिलिटी रखी हुई है वार्डन के लिए भी, और साथ ही में जो आउटर सिक्योरिटी के लिए उसका आउटसोर्सिंग एजेंसी जैसे जम्मू बॉयज़ हॉस्टल में हुआ है उस टाइप्स का कुछ अरेंज करने की कोशिश करेंगे, CCTV का हमारे पास प्रपोजल, तो पूरे इस एरिया को CCTV से कवर किया जाएगा, और जितने भी अच्छी तरह से हम फैसिलिटी दे पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, MI रूम की बात आज हुई सी साहब ने जो MI रूम की बात की वो वाली चीज़ हो, और बाकी भी सारी चीज़ जो भी ज़रूरत होती है यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स को, तो हम पूरा सेफ कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी बच्चियाँ जो है डिजर्व करेगी और यहाँ पे फैसिलिटीज़ को यूज़ करेगी वो आगे भी पढ़ाई पे अपना ज़्यादा फोकस कर पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली घर से बाहर आप जाते हो तो थोड़ा सा रहने और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जब मिलता है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे जिससे कि मैक्सिमम फोकस जो है हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स का वो पढ़ाई पे रहे, उनके करियर प्रोग्रेशन पे रहे, ना कि बाकी चीज़ों के रहने को क्या मिलेगा खाने को, उन चीज़ों पर ना रहे। और जैसे साहब ने फरमाया कि जो BPL कैटेगरी के हमारे लोग हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम स्पेशल यहाँ पे रिजर्वेशन रखेंगे सो दैट उनको भी कोई पढ़ाई करने से, उनको भी कोई अपने ड्रीम्स अचीव करने से वंचित ना रख पाए। तो सबसे पहले मैं आपका हमारे जो मीडिया फेटर्निटी उनका भी मशहूर हूँ, एज ए प्रेजिडेंट प्रेस क्लब आप भी इस इंपॉर्टेंट इवेंट को कवर करने के लिए आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, तो आपके थ्रू हमारे पूरे लद्दाख के आवाम ही नहीं बल्कि हर कोई इसको देख रहा है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे करगिल के जो स्टूडेंट्स हैं आवाम हैं दे आर वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत ही खुशनसीब हैं क्योंकि ऐसा फैसिलिटीज़ हॉस्टल चाहे गर्ल्स का हो बॉयज़ का हो, आप किसी भी लद्दाख की बात को छोड़ के आप J&K यूनियन टेरिटरी के किसी डिस्ट्रिक्ट को का जो फैसिलिटी आप जो हैं न जम्मू में न श्रीनगर में देखेंगे, क्योंकि मैं खुद J&K में मंत्री रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा फैसिलिटी जो है चाहे वो करगिल हाउस जैसे हमारा है या हॉस्टल है वो किसी का नहीं है, तो वो बहुत ही फॉर्चुनेट है। तो उनसे मेरी अपील है कि वो दिल लगा के मन लगा के जो है अपने एजुकेशन पे
फोकस करें और हम लोगों की ये प्रायोरिटी है कि आपको फैसिलिटी दे दें, बाकी आप लोगों ने पढ़ना है। आपके जो माँ बाप हैं इतना पैसा खर्च करते हैं, और साथ ही मैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ही मशहूर हूँ कि इतने लिबरल फंडिंग की वजह से हम आज ये एसेट्स जो हैं बना पा रहे हैं, जो इनकम्प्लीट एसेट्स हैं उनको कम्प्लीट कर पा रहे हैं। और ऑनरेबल एल जी साहब के भी हम बहुत ही मशहूर हैं कि वो इन हर प्रोग्राम में जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनका भी इंकरेज होता है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे एजेंसीज हैं, उनके भी हौसला अफजाई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो तेन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमांग सुनला ज्वाइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब।